Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important video for all of you. काफी अच्छा vacancies आया है गेल गैस लिमिटेड में, और यहाँ पे सबसे अच्छा बात क्या है कि यहाँ पे जो आपको जो पे पैकेज मतलब जो सैलरी मिलने वाला है वो काफी अच्छा मिलने वाला है. सो आई विल डिस्कस विद यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो कि कौन कौन एलिजिबल है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या इसके इंपॉर्टेंट डेट रहने वाला है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट कि मेनी ऑफ योर एग्जामिनेशन इज आल्सो कमिंग ऑन, जैसे कि बीडीएल और ओएनजीसी का एमआरपीएल का एडमिट कार्ड आ गया, एग्जामिनेशन डेट भी आ गया. ओके, सो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन कोर्सेस आर अवेलेबल है mansoonclasses.in पे. ओके, और भी मेनी ऑफ योर एग्जामिनेशन इज आल्सो कमिंग ऑन, जैसे कि बीएचईएल हो गया, यूपीपीसीएल हो गया, और आपका जो एग्जामिनेशन है एनएमडीसी, एआईसी, सेंट्रल सिल्क. ओके, और जो कुछ दिन पहले एमपी में वैकेंसी आया था एमपी पीजीसीएल में, तो उसका भी कोर्सेस अवेलेबल है मेरे वेबसाइट पे. तो आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करिए mansoonclasses.in, वहां से कोर्सेस परचेस करिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस. और एफसीआई का भी एग्जामिनेशन डेट आने वाला है, आ गया है एग्जामिनेशन डेट, उसका भी आ गया, ठीक है, एफसीआई का. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द वैकेंसीज व्हिच आर कम इन गेल गैस लिमिटेड में. ओके, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा. पूरे फाइनेंस में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. तो आज इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे पोस्ट का नाम है सीनियर एसोसिएट नाम है पोस्ट का, और यहाँ पे वैकेंसीज कितना है, 5 वैकेंसीज है जनरल में. ओके, यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 5 वैकेंसीज है, सीनियर एसोसिएट है पोस्ट का नाम, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में एक वैकेंसी जो है, यहाँ पे ओबीसी का एक वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इज 6. ओके, 5 और एक. यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का भी वैकेंसी है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे सीनियर एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी का 2 वैकेंसी है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसी है. दैट मींस कि अगर अनरिजर्व के अंदर अगर कोई भी वैकेंसी रहता तो कोई भी लोग अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो 2 वैकेंसी है यहाँ पे सीएस वालों के लिए, कंपनी सेक्रेटरी के लिए. ओके, तो यहाँ पे जैसा कि जो भी इंपॉर्टेंट है हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से. सो गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, फ्रॉम देयर यू कैन सी वन लिंक, इज द बैक क्लिक इट, यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम, फ्रॉम देयर यू विल गेट दिस पीडीएफ एंड यू विल आल्सो गेट इंपॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड टू माय क्लासेस. आगे बढ़ते हैं सीनियर एसोसिएट का. यहाँ पे जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स जो वैकेंसी है, इसमें जो क्वालिफिकेशन जो मांगा है सीए या फिर कोई भी सीएमए है, सीए सीएमए और भी कोई एमबीए है तो वो भी एलिजिबल है. यहाँ पे बात किया जाए, यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप यहाँ पे लिखा है कि 2 सालों की एक्सपीरियंस तो है. देखिए यहाँ पे 2 सालों का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा, इन लाइन भी क्या लिखा, इन लाइन इन रिस्पेक्टिव ऑफ 1 ईयर का, अगर कोई आप आर्टिकलशिप किया 1 ईयर आर्टिकलशिप, इन रिस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई आर्टिकलशिप भी है 1 सालों का वो भी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है. तो काफी अच्छा है, अगर आपका 1 साल के पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 साल वो भी है मतलब जो आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, तो वो भी कंसिडर किया जाएगा, ऐसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. ओके, कोई भी आप आर्टिकलशिप किए थे तो काफी अच्छा है यहाँ पे. और यहाँ पे जो सीनियर एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी है वहां पे भी सेम है, वहां पे भी कंडीशंस. और यहाँ पे जो कंपनी सेक्रेटरी का जो क्वालिफिकेशन मांगा है, कंपनी सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन मांगा है कंपनी सेक्रेटरी सीएस. ओके, आगे बढ़ते हैं. जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे, बाकी ये पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम से. इनमोलमेंट का बात किया जाए तो जो भी लोग यहाँ पे सेलेक्ट होंगे उनको 60,000 रुपीज करके मिलने वाला है पर मंथ करके, तो काफी अच्छा सैलरी मिलने वाला है. एक कॉन्सोलिडेटेड अमाउंट मिलेगा, मतलब कि आपको इतना मिलेगा, इन हैंड मिलेगा, कॉन्सोलिडेटेड यहाँ पे लिखा है तो, ठीक है. सो काफी अच्छा यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है. एप्लीकेशन फीस का बात किया जाए तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 100 रुपीज लगने वाला है. सो ये सब चीजें आप देख लीजिएगा एप्लीकेशन फीस. आगे बढ़ते हैं. जैसे यहाँ पे बात किया जाए सिलेक्शन प्रोसेस का, तो यहाँ पे आपको रिटन टेस्ट होने वाला है, इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा सीनियर एसोसिएट के लिए, ठीक है. रिटन टेस्ट, इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है. ओके, तो रिटन टेस्ट यहाँ पे होगा, ये सब ये चीजें आप ध्यान में रखना, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इंपॉर्टेंट डेट का बात किया जाए यहाँ पे तो 10/3/2023 से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, इसका फॉर्म भर सकते हो 10/4/2023 तक. ओके, सो ये सब चीजें था. सो आई होप सो कि आई हैव डिस्कस्ड विद यू एवरीथिंग व्हिच आर इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट फॉर ऑल ऑफ यू. वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. पूरे फाइनेंस में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सबसे रिलेवेंट कंटेंट सिर्फ और सिर्फ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलता है. आज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, सो थैंक यू.